गाइज, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वीगन लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में 2022 के अकॉर्डिंग हम आपसे वीगन लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीगन निकनेम से। वैसे तो वी के कई नाम हैं, लेकिन कुछ नाम जो काफ़ी फेमस है, जैसे कि वी, ब्लैक टॉय, गुच्ची बॉय, बेबी वियर एंड हनी वियर। वी का जन्म 30 दिसंबर 1995 के साउथ कोरिया के डेग्यू शहर में हुआ है। इनकी राशि की बात करें तो ये मकर राशि है और वी क्रिश्चियन है। वी का ब्लड ग्रुप ए बी है। आप सब जानते हैं कि वी अभी तक सिंगल हैं। इनके नेटवर्थ की बात करें तो 20 मिलियन डॉलर से भी अधिक इनका नेटवर्थ है। वी कोरियन, जापानीज, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं। वी एक सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर, डांसर एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी है। वी ने केपॉप ट्रेनिंग बिग हिट एंटरटेनमेंट में देगवी में ही ऑडिशन दिए थे। 2013 में ही ऑफिशियली बीटीएस ग्रुप के मेंबर बन गए थे। उनका सबसे पहला एल्बम टू कूल फॉर स्कूल है। उनके सोलो सॉन्ग की बात करें तो स्टिग्मा, विंटर वियर, इनर चाइल्ड, स्वीट नाइट एंड स्नो फ्लावर है। वी की हाइट की बात करें तो वी का हाइट 179 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 11 इंच है। वी की वेट की बात करें तो 62 केजी है। उनका हेयर कलर डार्क ब्राउन एंड आई भी डार्क ब्राउन है एंड रंग गोरा है। वी की एजुकेशन की बात करें तो वी ग्रेजुएट है कोरिया के आर्ट्स हायर स्कूल म्यूजिक डिपार्टमेंट से वो किए हैं एंड ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी से उनको बैचलर की डिग्री भी मिली है। वी एक के ड्रामा में भी काम कर चुके हैं। उसका नाम है हॉरांग, द पोएट वॉरियर यूथ पर बनाया गया है। वी की फेस पर 3 मोल्स हैं एंड वी ने ही सबसे पहले आर्मी को आई पर्पल यू बोले थे, मतलब आर्मी आई लव यू। उसी दिन से पर्पल कलर से आर्मी बहुत प्यार करती है। द फर्स्ट उन्होंने अपना पहला एल्बम खरीदे थे गर्ल्स जनरेशन एंड वी हाई हील्स पहनकर भी बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। वी की डैड प्यार से बेबी वियर एंड मॉम हनी वियर के नाम से बुलाती हैं। ये बातें खुद वी ने फैंस मीटिंग के दौरान बताए थे। वी का नाम तो ऐसे कई फीमेल केपॉप आर्टिस्ट के साथ जोड़ा गया है, लेकिन वी अभी तक सिंगल ही हैं। अब हम इनके फैमिली के बारे में बात करते हैं। वी अपने मॉम एंड डैड से काफ़ी प्यार करते हैं और ये मॉम डैड के साथ ही रहते हैं। इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम किम योन जिन है। वी का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम किम जोन गू है। वी ने अपना लग्जरी अपार्टमेंट गंगनम गू में भी खरीदे हैं जिसकी कीमत 5.1 मिलियन है, जो कि कोरियन रुपीज के अनुसार। वी एनिमल से भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इनके पास 4 पेट्स भी हैं, 3 डॉग्स एंड 1 कैट्स। डॉग्स का नाम है योंगटोन, सुन सिम सियोंग एंड कैट का नाम के कांजी है। वी के पास हुनई जीनियस जीफ भी 80 कार भी है। वी की हॉबी एंड फेवरेट चीज़ों की बात करें तो वी का फेवरेट कलर ग्रे है एंड फेवरेट नंबर की बात करें तो 10 है। फेवरेट फ्रूट स्ट्रॉबेरी है। फेवरेट मूवी की बात करें तो काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो है एंड फेवरेट फूड की बात करें तो मीट एंड पोटैटो पैनकेक्स काफ़ी पसंद है। वी का फेवरेट पैलेस देगी यानी उनका घर है। वी का फेवरेट आइटम्स की बात करें तो उन्हें अपना कंप्यूटर, शूज, एसेसरी एंड क्लॉथ है। वी की फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें तो लिली क्लॉनिज एंड रिचेल एमसी एडम्स हैं। वहीं फेवरेट आर्टिस्ट एरिक वेन नेट हैं। वी का फेवरेट हेयर कलर रेड है एंड वी को वीडियो गेम खेलना काफ़ी पसंद है, साथ ही वो फोटोग्राफी करना भी बहुत अच्छा जानते हैं। वी को 2017 में बेस्ट हैंडसम फेस के साथ साथ 2018 से 2020 तक के बेस्ट हैंडसम मैन द वर्ल्ड का भी खिताब मिल चुका है। 2019 में मोस्ट हैंडसम केपॉप आइडल एंड 2018 में द मोस्ट हैंडसम कोरियन एक्टर से भी नॉमिनेट की जा चुकी है। वी सैक्सोफोन भी बजाने में मास्टर हैं। वी को बच्चों से भी बहुत प्यार है।